वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है सर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड आर सेंचुरीज विच आर मेड फॉर एनिमल्स टू लिव टू लिव सर. पोवर्टी लाइन, पोवर्टी लाइन इज अ लाइन बिलो विच पर्सन इज नोन एज पुअर. यस योर फाइल. व्हाट्स योर गुड नेम? साक्षी नेम. योर गुड नेम? अदिति पटेल. अदिति. एंड योर गुड नेम? संजना पटेल. ओके, व्हाट इज योर टॉपिक? Poverty. Food security. Poverty. How will you define poverty? Poverty means hunger and lack of shelter. It also means that is a situation. Or? Is a situation which who cannot afford to send their children to school, and it is also a situation which cannot afford a treatment. It also means of lack of clean of water and sanitization facility. It also means of lack of Can you give me one line definition? Anything very specific? Poverty means hunger and lack of shelter. हाँ, आपने बोला कि हाँ, yes, yes, what? Poverty means hunger and lack of shelter. Poverty means hunger and lack of shelter. जो भूखा है और जिसके पास छत नहीं है वो गरीब है ना? और जिसके पास छोटी मोटी छत हो, फिर मान लो झोपड़ी बना ली तो. अच्छा अच्छा ओके. PMRY क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. आपका क्या टॉपिक है? फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी बताइए. फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम. व्हाट इज फेयर प्राइस शॉप? फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप इज ऑल्सो नाउ एज राशन शॉप्स, इन विच फूड ग्रेन्स आर स्टॉक कीप स्टॉक एंड केरोसिन एंड शुगर फॉर कीपिंग द पीपल्स आर सोल्ड टू एट द लोअर प्राइस than the market price. Okay. What is PDS? PDS refer to system in which food procured by the Food Corporation of India is distributed among the poor, government regulated ration shops, the consumer. Okay, what is full form of FCI? Food Corporation of India. What is MSP? Minimum support price. Okay. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसको सपोर्ट करने के लिए होती है? सेलर को या बायर को? ये होती है सर, सेलर को. सेलर को सपोर्ट करने के लिए. जैसे कि एग्जांपल दे बताएं आपको. सेलर को सपोर्ट करते हैं, कुछ टाइप के सेलर को सपोर्ट करता है? शॉपकीपर्स. MSP मेनली किन लोगों के लिए? आपने कभी अभी जैसे आंदोलन वगैरह भी चल रहा है MSP के बारे में, कौन लोग आंदोलन कर रहे हैं? अभी न्यूज में देखा होगा ना, आप बताओ कौन आंदोलन कर रहा है? फार्मर्स, किसान लोग ना, उनकी क्या डिमांड है सर? MSP होता है कि जैसे जब गेहूं बोए नहीं जाते उसके पहले ही उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है, जिससे जो फार्मर को मतलब लॉस होता है वो उस प्राइस में बेच सकता है गेहूं, मतलब वो पहले से ही डिसाइड की जाती है. एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, गेहूं एक किसान यदि मार्केट में बेचने जाएगा, मंडी में बेचने जाएगा, तो जिस समय गेहूँ आते हैं उस समय बहुत सारे बेचे जाते हैं. जब बहुत सारे लोग बेचे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात उसी चीज़ की प्राइस कम मिलेगी उस समय, बाद में वही चीज़ बढ़ जाती है प्राइस, है ना? तो व्यापारी को तो फायदा मिल जाता है, लेकिन किसान जिसने भोगाया है उसको फायदा नहीं मिल पाता है. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया है कौन सा? MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो है गवर्नमेंट ने तय कर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूँ ऑन ऑन एवरेज मार्केट में बिकना तो चाहिए 2000 रुपये में, गवर्नमेंट ने सेट कर दिया 2500 रुपये, 2500 रुपये. तो अब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 2500 रुपये ज़्यादा में खरीदता है तब तो किसान उसको बेच देता है, नहीं तो गवर्नमेंट खुद 2500 रुपये में खरीद लेती है जिसको, और उसी को ही बफर स्टॉकिंग भी बोलते हैं, उस MSP प्राइस पर खरीद लेना.
ओके व्हाट दीपांशी व्हाट इज योर टॉपिक फंडामेंटल राइट्स ओके टेल मी एनी थ्री फंडामेंटल राइट्स Fundamental rights are the claims of a person. No, I'm not asking name, about name meaning. The there are six fundamental rights. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, a cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Right to freedom of religion means what? Sir, right to freedom of religion means any citizens have the right to freely practice and propagate their religion. Right to equality. Sir, right to equality means the constitution, the government will treat everyone equal and abolish untouchability and titles. My topic is poverty. And what is your name? Mohit Patel. And topic? Food security. Okay. How will you define poverty? Sir, poverty means if any person has lack of shelter and cannot able to and is food insecure. And cannot. Okay. What is poverty line? Sir, poverty line. Poverty line is a line below which person is known as poor. Okay. Do you think there is a substantial decline in poverty in India? No. Do you think that there is a decline in Yes, sir. Poverty? Is there any decline? Yes, sir. Okay, can you give me some data? Sir, first, in 1973, it was 55%. There were 55% poor people in India. It in 20 years, it decreases up to 26%. 2036, sorry. And in 2000, it was decreased up to 26. And after that, in 2018, it was 11%. And because of Corona, in 2021, it is 14%. Okay. It means the poverty is declining day by day, right? Yes, sir. Okay. Or year after year, you can say. What are the main reasons behind poverty? Sir, some main reasons were colonial rule, population, lack of knowledge, lack of skills, and laziness in people. Okay. Next. Aapka kya naam hai? Sir, Devraj. Devraj. Yes, sir. Wow, wow. Kya naam hai? So, Devraj ji, bataiye apne bare mein kuch. Sir, I am Devraj Bhusar. Currently, I am studying FAM Global International School. I am the student of class 9th A. I live in Chennai. Okay, well, what's your topic? Sir, my topic is natural vegetation. Natural vegetation and wildlife? Yes, sir. Okay. What is natural vegetation? Sir, natural vegetation are things which is grown in, which grows naturally without the interference of humans. Mangrove forest or mountain forest mein kya difference hai? Sir, mangrove forest are forest which are grown in wet places, and mountain forests are forest which are grown in the high altitudes. Suppose karo ki main thoda kam padha likha. Yes, sir. Ab mujhe batao. Thoda main kam padha likha. Haan, mujhe simple Hindi jaise jo bolna ho bolo, lekin mujhe sab manna chahiye. Samajh lo ki main bahut hi सीधा इंसान. ठीक है सर. मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव जंगल हैं, वो ऐसे जंगल होते हैं जो दलदली या फिर गीले एरिया में ज़्यादा करके पाए जाते हैं. हाँ. और जो हमारे ये माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड्स पे ये ट्रीज उगते हैं. मतलब पहाड़ वाड़ वाले. पहाड़ वाले. अच्छा अच्छा, वाह, बस समझ गया. अच्छा, आपने बोला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. आप हिंदू हैं, है ना, तो आप हिंदू धर्म फॉलो कर सकते हैं, है ना. आप यदि कुछ और भी बोल देंगे, मान लीजिए आपने जो है गॉड के लिए भी जो है वो गॉड बोल दिया, तो कोई आपको फांसी हो जाएगी क्या? मतलब फ्रीडम है कि नहीं आपके पास, है ना. कुछ कंट्रियों में ऐसा भी नहीं है, आपको वही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा जो वहाँ का रिलीजन है.
तो वो हमारे यहाँ पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। फिर आपने जैसे लिखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी या मान लीजिए आपको आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप पुलिस के पास ही जा सकते क्या? तो राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है क्या? है ना, जोर से बोलो। हाँ, तो ऐसे एग्जांपल लाओ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेंचुरीज विच आर मेड फॉर एनिमल्स टू लेट देम लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट इंटरफियरिंग देम। ओके, व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना? सर फ्लोरा मीन्स द प्लांट्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। फ्लोरा मीन्स? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। अच्छा, और फौना मीन्स प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड प्लेस। और फौना मीन्स? सर फौना मीन्स एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन।